हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स ट्राई दीज है ये पेज नंबर 176 का। और इस ट्राई दीज में हमारे पास तीन सम्स हैं, कैन यू राइट 4 mm इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप 4 mm को 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डेसिमल में इसे कन्वर्ट करेंगे हम। और जो इसके लिए हमें जो याद रखना है वो है इनका रिलेशनशिप, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है। और इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 mm इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। जैसे आपने इससे पहले जो ट्राई दीज था उसमें पैसे से रुपए में कन्वर्ट किया था और डेसिमल में राइट किया था, वैसे ही यहाँ पर mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और 7 सेंटीमीटर 5 mm को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और उसको डेसिमल में सो करना है। ओके, कैन यू नाउ राइट 52 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप 52 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल का यूज़ करके आपको ऐसा करना है। हाउ विल यू राइट 340 मीटर एज किलोमीटर, क्या मतलब आप कैसे राइट करेंगे 340 मीटर को किलोमीटर के अंदर। तो जैसे 52 मीटर को करेंगे वैसे ही 340 मीटर को भी करेंगे डेसिमल का इस्तेमाल करके। अब एक और पार्ट है थर्ड का, आप कैसे राइट करेंगे 2008 मीटर को किलोमीटर में। तो इसे भी करेंगे वैसे ही जैसे कि ऊपर वाले दो पार्ट हम ये वाले करेंगे। तो चलिए करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से इसे करेंगे, लेकिन आपको एक ही टाइम में ज़्यादा टाइप के सम्स नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सारा कुछ मिक्सअप सा होने लग जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसे दो या तीन से ज़्यादा टाइप के सम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले आप एक ही टाइप के सम को कीजिए और उसके जैसे सम्स असाइनमेंट से या फिर नेट से कीजिए। आज नेट पर बहुत ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है, अलग अलग साइट्स है, तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेट अस डू। सॉल्यूशन वन के अंदर हमें करना है 4 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 4 mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर। अब क्या आएगा इसके इस डैश के अंदर वो हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वर्किंग जरूर शो करके दिखानी है। 4 mm को करने से पहले आपको लिखना होगा कि 1 mm और सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है। 1 mm बाय में 1/10 सेंटीमीटर होता है। आपने अपना स्केल देखा होगा, जो स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर शो किए गए होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पर एक लंबी सी लाइन होगी थोड़ी सी, 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट के ऊपर एक ज़्यादा बिगर लाइन होती है, तो इसको एक शो कर रखा होता है। इसी तरीके से जो बाकी का पार्ट है वो भी ऐसे ही होता है। जैसे मैंने ये शो किया है और यहाँ पर कुछ लिखा होता है, जैसे 1 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पर 4 लिखते हैं, है ना। तो ये जो 10 डिवीजन्स है बराबर बराबर, ये 10 mm के बराबर होती है। 1, 2, 3, 4, 5 10 डिवीजन्स हो गए। ये 10 डिवीजन्स होती है और जो यानी कि 1 सेंटीमीटर मिल करके कितना बनता है, 10 mm के बराबर होता है। तो 1 mm कितने के बराबर होगा, ये 10 जो है ये इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इसके बन के, और फिर ये हमें 1/10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो 1 mm जो है वो होता है 1/10 सेंटीमीटर के। अब हमें जो कन्वर्ट करना है वो है 4 mm। तो फिर 4 mm कितने के बराबर होगा, 4/10 मतलब ये कैसे आया 4/10, 4 मल्टीप्लाई में 1/10, क्योंकि
एमएम की वैल्यू थी 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 एमएम की जगह 1/10 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज जो है ये आई है 1 mm की जगह, और 4 की जगह 4 आ गया, ठीक है। तो 1/10 सेंटीमीटर, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 4/10 डेसिमल करेगा जंप, डेसिमल जंप करेगा तो क्या होगा, आप देखिए डेसिमल अभी कहीं नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है, 4 के बाद यहाँ पर। अब क्योंकि नीचे 10 था तो ये जो है ना मूवमेंट करेगा कितने डिजिट, एग्जैक्टली 1 डिजिट, क्योंकि 10 नीचे, तो ये बन जाएगा 0.4, राइट 0.4। तो ये पार्ट हो गया हमारा, यहाँ हम अब लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 0.4 आती है, और ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अब ये सारा हम कर देते हैं वहाँ पर कॉपी, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 2 जो कि हमें करना है। सॉल्यूशन नंबर 2 में है हमारे पास हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 mm इन सेंटीमीटर। हमें 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, लेकिन डेसिमल का इस्तेमाल करके। तो जैसे हमने पीछे किया mm को, वैसे ही करेंगे इसको भी, ये किया था ना। यहाँ पर अब हमें क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा, 5 mm को करना है, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। यानी कि हमें काटना है एक तो ये, इसकी बजाय हम लिख देंगे 5, राइट, और इसी तरीके से हमें काटना है ये वाला पार्ट सारा का सारा। ये 4 है, इसकी बजाय आ जाएगा 5, और इस 4 की बजाय भी आ जाएगा 5। तो मैं ये पूरा ही काट देता हूँ, फाइव बाय टेन आएगा, 5/10 सेंटीमीटर। तो डेसिमल फिर जंप करेगा, डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ से ये जंप करेगा 1 digit लेफ्ट की तरफ यहाँ पर। तो इससे पहले कुछ लगाना भी पड़ेगा 0, तो इसी ये लिखा गया 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कन्वर्जन हो गया, लेकिन इस बार हमारे पास सेंटीमीटर में भी कुछ है, सेंटीमीटर में है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें इंक्लूड करना है 7 सेंटीमीटर। एंड 5 mm, यही है ना, तो 7 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 5 mm को हमने कन्वर्ट कर दिया 0.5 के अंदर, तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका हुआ आंसर, इज दैट क्लियर। और ये कैसे आया एक बार देखिए, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर भी आप देखें, क्योंकि प्लस करने में आप कई बच्चे गलती कर जाते हैं। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा दिया और 0 लिख दिया, और डेसिमल के नीचे डेसिमल करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल करना है 0.5, तो 0 + 5 हुआ 5, 7 + 0 7, 7.5, ये ऐसे आया। तो समझ में आया आपको कि ये कैसे हुआ, गुड, ये हुआ आपका आंसर, क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, और कैसे किया वो सारा आपने समझा। तो अब करते हैं थर्ड पार्ट, जिसके अंदर की 3 पार्ट्स है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तीनों ही पार्ट्स में, लेकिन एक के अंदर 2 डिजिट है तो एक में 3 डिजिट, तो तीसरे में 4 डिजिट है। तो चलिए करते हैं इसको,
तो इस पार्ट के अंदर आपके पास है 52 मीटर को करना है कन्वर्ट किलोमीटर के अंदर, तो बड़ा ही आसान है। 52 किलोमीटर हमने लिखा इज इक्वल टू, 52 किलोमीटर है नहीं, ओके सॉरी, 52 मीटर इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, और अब इसका आंसर क्या आएगा? तो हमें रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, तो चलिए चलते हैं पेंट के पास, वो हमारी मदद करेगा। तो आ गए पेंट के पास, पेंट हमारी मदद करने के लिए तैयार है, और पहले हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा, क्योंकि ये सारी रिलेशनशिप अब हमारे काम की नहीं है। चेंजिंग क्या होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चेंजिंग क्या होगी, यहाँ से जो है ना, ये जो चीज़ है ये तो हट जाएगी, ये हट जाएगी, मीटर है, और यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगी, और ये जो सेंटीमीटर है ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वन मीटर कितने के बराबर होता है? 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। हमें जो कन्वर्ट करना है वो है 52 मीटर, तो 52 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 52 यहाँ पर मीटर और आएगा, 52 मीटर मीटर की बजाय आ जाएगा यहाँ पर 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पर मीटर था, ये वाला, ये जो मीटर था, इसकी बजाय हमने क्या किया, यहाँ पर ये पार्ट लिखा है, कौन सा पार्ट, ये वाला, दिस वन, ये पार्ट हमने लिखा है 1/1000 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर था, जो हमने ये रिलेशनशिप लिखी थी, ठीक है ना। रिलेशनशिप थी 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होती है, क्लियर हुआ, गुड। तो अब हम लिखते हैं कि 52 इसमें करने के बाद क्या होगा, डेसिमल जंप करेगा, यहाँ है ये 52 और डेसिमल है वो यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लेकर के आना है हमें, देखते हैं कि ये कहाँ जाएगा, अभी डेसिमल यहाँ पर है, और फिर ये जंप करेगा, कितने डिजिट जंप करेगा, नीचे 3 जीरो है, आप देखेंगे कितनी जीरो है नीचे, 3 जीरो, एक तो ये हो गई 1 2 एंड दिस वन 3। तो फिर डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 3 डिजिट पर, 1 एक हो गया, उसके बाद 2, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमें 0 लेने पड़ेंगे, हमने 0 ले लिए, तो अब उसके बाद 2 जंप हो चुकी है, तीसरी जंप और करेगा ये, तीसरी जंप यहाँ होगी, 3 जंप इसने की, और हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और हम इसको फिर लिखेंगे यहाँ पर, सही तरीके से अगर लिखना हो तो 0.05 एंड 2 यहाँ लिखेंगे ऊपर किलोमीटर, ठीक है, क्लियर हुआ, आसान है ना, गुड। तो अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं और अपने पास लेके जाते हैं जहाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट है।
यहाँ से इसको हटा देंगे और इसकी जगह 340 हम लिखेंगे। मीटर इज इक्वल टू 52 हट जाएगा और 340 यहाँ पे लिखा जाएगा 340। तो कन्वर्जन करेंगे फिर यहाँ पर 340 डेसिमल है यहाँ पर इस जगह पर, और इसको मूव करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में तीन डिजिट, वन एक हो गई, टू दो हो गई मूवमेंट, और यहाँ से फिर ये होगा यहाँ पर इस जगह पर आ गया। इसको हम लिखेंगे 0.340 किलोमीटर, है ना? आसान आसान नहीं है, आसान है ना? हाँ, तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, ये ना ख़राब सा लग रहा है, इरेज कर देते हैं इतने पार्ट को यहाँ का। अरे ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, इसको कर, चलो आप भी जाओ, आप भी जाओ 340। तो ये पार्ट भी हमने कर लिया सक्सेसफुली। कोई दिक्कत है, गलती हो सकती है मुझसे भी, आप मुझसे कह सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तभी तो सुधार होगा ना, कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मुझसे कहेंगे तो ही तो मैं उसको सुधार पाऊँगा। तो 340 मीटर वाला पार्ट है, ये भी हो गया, कितना आसान है ना। ये ए की बजाय बी कर देते हैं, सोचिए ये बी पार्ट था, अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में 340 मीटर की बजाय इस बार आपको मिला हुआ है 2008 मीटर। तो इसको जब हम लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं जैसे पहले वाले सम्स में हमने किया, वही ही चीज़ यहाँ करेंगे। और ये है सी पार्ट इसी का 2008, तो ये काटेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे 2008। ओके, और ये वाला भी पार्ट 240 है, ये हट जाएगा और इसकी बजाय आएगा ये 2008। यहाँ पर ठीक है, और इसी तरीके से 2008 है वो यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसकी जो मूवमेंट है इसको पूरे को काट देते हैं। इक्वल टू 2008। अब डेसिमल है वो जंप करेगा, और जंप करके कहाँ जाएगा, कैसे होगा, वो चीज़ देखते हैं। डेसिमल इसको भी काट 2008, डेसिमल अगर कहीं पर भी नहीं है तो वो डेसिमल यहाँ पर है, राइट? इसको तीन जंप करना है क्योंकि नीचे 3 0 है, कितनी जीरो है, 3, तो इसका मतलब 3 ये जंप करेगा, राइट? 3 जंप, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से आएगा ये यहाँ पर। तो हमें कोई और डिजिट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमारा आंसर आया 2.008 किलोमीटर। था ना आसान, है ना आसान? याद जरूर रखना इसको कि ये सब पार्ट हमने कैसे किए हैं। ओके,
याद रहेगा ना दिस वन, इतना पार्ट हमने किया है। और अब ये पार्ट हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट अपनी वर्ड की फाइल में। तो आपने देखा कि हमारे जो ये अलग अलग पार्ट्स थे, अब आप इनको वन बाय वन सारे स्क्रीनशॉट्स है वो ले लीजिए, ठीक है। ये सेकेंड और ये है फर्स्ट, 4 mm को हमने कन्वर्ट किया था, ये है फर्स्ट पार्ट, 0.4 इसका आंसर आया था। फिर ये नेक्स्ट पार्ट जिसका आंसर आया 7.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 mm को कन्वर्ट किया था हमने, और 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आया था। और फिर हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में 52 मीटर के लिए था, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप, 0.052 आया। और फिर नेक्स्ट किया जो कि हमारा आंसर ये आया, 340 मीटर को कन्वर्ट करना था किलोमीटर में, 0.340 किलोमीटर। और फिर ये लास्ट 2008 मीटर को कन्वर्ट करना था किलोमीटर में, हमारा आंसर आया 2.008 किलोमीटर। होप सो ये सारा जो वीडियो है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट आईडीज। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए जो ये स्टडी है बिल्कुल आसान कर दूँ, मज़ेदार कर दूँ, अच्छे से आप इसे कर पाएँ, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग जरूरत होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, मतलब अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायरेशन तो है, मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों से। आप लोग मुझे लाइक करेंगे वीडियो को, आप कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं उनका जवाब दूंगा। और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने का तरीका ढूँढूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसे कर पाएँ अपनी स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, बाय।